नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में सीएचओ ने खुद के अपहरण की रची साजिश, बॉयफ्रेंड संग मर्जी से भागी, घर पर भाई को फिरौती के लिए कॉल करवाया। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में शुक्रवार को सीएचओ के अपहरण की खबर आई, जिसे पुलिस ने चंद घंटे में ही सुलझा लिया। दरअसल युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ मर्जी से भागी थी। इसके बाद उसने किडनैपिंग की झूठी साजिश रची और घर में फिरौती मांगने के लिए भी कॉल करवाया। दरअसल युवती के भाई कुलेश्वर जलतारे ने पुलिस से शिकायत की थी कि वो अपनी बहन के साथ सक्ती आया था। इस दौरान उसकी बहन अनुपमा फल लेने के लिए रुकी हुई थी। इस दौरान कुछ युवक आए और उसे अगवा कर ले गए। थोड़ी देर के बाद किडनैपर्स ने भाई को फोन भी किया। किडनैपर ने कॉल कर 15 लाख रुपए फिरौती मांगी, साथ ही धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो उसके टुकड़े कर फेंक देंगे। जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर क्षेत्र के चारों ओर घेराबंदी कर किडनैपर्स की तलाश करने लगी। आसपास केसीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। सीएचओ के भाई का किडनैपर्स के साथ बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें किडनैपर्स महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने चारों ओर घेराबंदी कर किडनैपर्स की तलाश शुरू की। युवती के कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन की भी जांच की गई। जांच में युवती अनुपमा की लोकेशन बिलासपुर में मिली। इसके बाद पुलिस टीम जब बिलासपुर पहुंची तो वो अपने प्रेमी के साथ मिली। फिलहाल युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया है। सक्ती जिले के सरायपाली उप स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ पद पर है अनुपमा। फिरौती की मांग के समय बिलासपुर आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने बताया था कि सक्ती में अपहरण की एक शिकायत मिली है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। लेकिन जिस जगह पर अपहरण की बात कही जा रही है, वहां से अपहरण की पुष्टि नहीं हो रही है।